से लेटे होते हो। एक सेठ के एक लड़की ने जन्म लिया, बताओ कुछ लड़की बड़ी हुई, कोई दो बातें कहता चार पकड़ा देती, और बड़ी हुई कोई चार बातें कहता आठ पकड़ा देती। सेठानी बोली, महाराज तुम्हारी बेटी बिगड़ती जा रही है, इसकी शादी करनी है, कुछ करो। सेठ जी बोले, सुधर जाएगी, जाएगी कहां, नहीं सुनी। लड़की शादी के योग्य हो गई, फिर भी जवाब देना नहीं भूली। शादी हो गई, शादी रात्रि भर काट पाई, सुबह ही सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ। सेठ जी बोले, रात ही रात में क्या हुआ जो सुबह ही सुबह फोन आ गया कि ले जाओ। अरे बेटी क्या हुआ, बोले अगर खाना खा रहे हो तो पानी यही पीना, आके मुझे ले जाओ। सेठ जी लाचार थे, पहुंचे, समधी जी से नमस्ते किया, नहीं बोले। समधन से नमस्ते किया, नहीं बोले। अरे बेटी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या। ससुर कहने लगे, दो घंटे बाद ले जा रहे हो, अभी ले जाओ, मुझे ऐसी बहू के साथ नहीं रहना। सास बोली, कल को ले जाने वाले, अभी ले जाओ, मुझे ऐसी बहू के साथ नहीं रहना। बड़ी आपत्ति है। सेठ जी ने बिटिया को चुपचाप वहां से लियो और लेके घर पे पहुंची, बिठाई लियो, लाडो सब ठीक है ना, तेरी ससुराल कैसी है। लड़की बोली, एक नंबर का नरक है नरक, मुझे बाँ नहीं रहना। अच्छा तेरी सास कैसी है, बोले एक नंबर की डायन। अरे तो तेरा ससुर कैसा है, बोले एक नंबर का राक्षस। जेठ कैसा है, बोले एक नंबर का धूर्त मूर्ख। देवर कैसा है, बोले एक नंबर का आवारा। अरे ननंद कैसी है, बोले एक नंबर की चुगलखोर। अच्छा सब छोड़ दे, तेरा पति कैसा है, बोले एक नंबर को यमराज। बाकी बात मत मत करो, वो तो यमराज दिखाई पड़ता है मुझे। अच्छा समझ गए सेठ जी की खराबी उनमें ना है, खराबी हमारी परवर समय है, हमने तुम्हें संस्कार गलत दे दी। यही रुको, आपका मायका है, आपका घर है, हम यही समझ लेंगे कि शादी नहीं हुई। लेकिन बुजुर्गो, बेटी अगर शादी के बाद आठ दिन तक मायके में रुके तो पड़ोसी बातें करने लगते हैं, नहीं आए कपटके आई हो, कल लड़ाई हो गई सास से, पति ने पीट दो का। भाभियां भी आज के जमाने की ऐसी हैं, अगर ननंद चार छह दिन के लिए आए तो बढ़िया, बिस्तर विस्तर खाना पीना खाट पे ही मिलेगो, लेकिन आठ दिन से ज्यादा रुकी तो बुरको गैसूला, वो हैंडपंप लगोए, पानी भरो, खाना बनाओ, स्कूल बच्चन को छोड़ के आओ, हमें खाना दे। तो लड़की मंदिर जाती, पुजारी पूछते, अरे लाड़ो दामाद जी लेने नहीं आए क्या। लड़की बोली, सीधे से बोल दो ना कि पूजा करने मत आया करो, काय को घुमाई फिराई बोल दो, हम कल से नहीं आएंगे। नहीं नहीं, अरे लाड़ो तुम तो बुरा मान गई, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा था दामाद जी काफी दिन हो गए नहीं आए, आप यहाँ काफी दिन से हो। लड़की बोली, कल से नहीं आऊंगी। सहेलियां मिलती, अरे जीजा जी नहीं आए क्या। लड़की बोली, हद हो गई जीजा, बाप भी नहीं जीने देता, यहाँ भी नहीं जीने देता, अरे मैं नहीं जाऊंगी ससुराल। बड़ी परेशान। एक दिन उदास मन से बैठी, सेठ जी बोले, बिटिया का बात है, कोई दिक्कत है का, काऊ ने कछु कहिए का। बिटिया बोली, पिताजी अब हम पे ना रुको जाए रो, अब मुझे कहीं और छोड़ के आओ। सेठ जी बोले, लाड़ो
हमारे नगर में एक महात्मा आए और उन महात्मा ने एक मंत्र दियो है, अगर तू उस मंत्र का जाप कर ले तो तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। लड़की बोली जो मंत्र हम ना जाने और कोई उपाय हो तो बताओ। बोले चल मंत्र जाप नहीं करेगी तो तू साधना कर ले। क्या कर ले? साधना। साधना क्या है? बोले साधना बस इतनी है तू 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना, बस 6 महीना। और तू बस 6 महीना जवाब न दिए तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में। लड़की बोली हम 1 साल ना दिए ससुराल मुट्ठी में आ जाए फिर तो हम सबे देखें, बस तुम हमें छोड़ के आओ, बिटिया को छोड़ बे को चले। सेठ जी समधी जी नमस्ते। अरे भैया आप बताई गई। सास बोली फिर आ गई कल मुही, अरे ऐसे तो किसी ने नहीं बुलाया था। नहीं बोली 6 महीना रुक जाओ, एक कांच को गिलास रखो रहे सुबह पैर लग गो। ससुर बोले अन्नी है क्या, आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया बोली बस 6 महीना जो खोपड़ी पे फोड़ दो मत हो कोई का गए, बस तुम 6 महीना रुक जाओ, बाप को चेहरा हम देखे रहे ना तुम्हें ठिकाने पे लगाए देते, तुम 6 महीना रुको। 6 महीना हमको छुके ही ना सकते चाहे गाली दे। तो महाराज किसी को जवाब नहीं देती। सवेर हो भयो सुबह ही सुबह सास के पैर दबाने लगी। हैं? सास बोली बहू? बोले हाँ माँ जी। हैं? माँ जी बोल रही। सास अपना रुको को बोले काय वैसे तुम बेई हो के तुम्हारे बाप के जुड़वा महिंद से दूसरी वाली भेज दई। नहीं नहीं मम्मी जी मैं तो पहले ही वाली हूँ। अच्छा सेवा में लगी हो ता से पूछी। सुबह ही सुबह बर्तन रसोई में खटक रहे। अरे ननद बोली बिल्ली है क्या? सास बोली चुप हो जा अपनी वाली बिल्ली घुसी है, खाना खाने तो चुपचाप रहो। ठीक है सबका बड़ा ख्याल रखती, खाना टाइम से सेवा टाइम से कपड़े धुल धुला के सबको देती बढ़िया और सेवा करती। सासे यहां बैठी हैं उनसे मेरा निवेदन है जब शादी हो जाए बेटे की तो घर का राजपाट जो भी मालकी है ना वो कमर वाली चाबी पकड़ा दो चुपचाप, अगर खाना खाना है तो घर में हाँ बहू को मालकी सौंप दो, अगर टेंशन फ्री रह जाती हो तो। महाराज अब बड़ी सेवा करती, धीरे धीरे रक्षाबंधन का समय आ गया, भैया लेने के लिए आ गया। तो भैया बोला चल दीदी घर पे, दीदी बोली मम्मी से पूछ ले। ए भैया बोलो क्या कह रही है, सही में मम्मी कौन है जो घर में? बोले चुप बैठ पूछ क्या। अच्छा अच्छा मम्मी जी दीदी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या? हाँ मम्मी तो तैयार ही बैठी। बोले लला वैसे हमारी बिटिया को आज लेके जा रहे हो लेकिन कल सुबह तक छोड़ जाना। क्या कहा? कल सुबह तक छोड़ जाना। और एक वो दिन था जब कह रही थी कल को ले जाने वाले आज ले जाओ, जवाब नहीं दिया। 1 महीना हो गया तो इतनी प्यारी है, अब लेके पहुंचे। जैसे ही पहुंचे सेठ जी ने बढ़िया बेटे को बिठायो, लाडो सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छा एक बात बता, वो तेरी दाएं सास जिंदा है या मर गई? बोले देखो पिताजी ऐसे मत बोलो, वो मेरी मम्मी जी हैं। अच्छा अब वो राक्षस ससुर हैं या नहीं है? बोले ऐसे मत बोलो, वो तो तुम्हारी याद भी नहीं आती, वो तो मेरे पिता है। अच्छा वो तेरा धूर्त मूर्ख जेठ कैसा है? बोले वो तो बड़े भाई का रोल अदा करता है, वो आवारा देवर सुधरेगो का प्यास होई बिगड़ो बहु है। बोले वो तो मेरे छोटे भाई का रोल अदा करता है। अच्छा बच्चुगल घोर ननद चली गई कि यहीं टिकी हमें? बोले वो तो मेरी छोटी बहन है, सब छोड़ दे तो यमराज कैसो है।
मिटिया ने बैग उठाओ चंदे उन्हें देखो सबके जेल सकते हैं चाहे पति लंगड़े हो चाहे लूले हो चाहे अंधे हो चाहे काने हो चाहे भिखारी हो चाहे गरीब हो लेकिन हमारे पति हमारे लिए देवता है। इसलिए पति की तो बुराई नहीं सुनोगी। सेठ जी ने गहरी सांस ली और जवाब दो अब पता चलो कि बिटिया रास्ते पे आ गई। बिटिया ने पूछी पिताजी अच्छा एक बात बताओ वो मंत्र कौन सा था जो आपने जाप किया और वो साधना कौन सी थी जो मैंने की। सेठ जी बोले मंत्र कछुनाया तो साधना ही साधना आती सो तूने कर ली और ससुराल तेरी मुट्ठी में ससुराल तेरी मुट्ठी में नहीं है तू ससुराल की मुट्ठी में है पता ना है तू। इसलिए बेटियों से निवेदन है कि चाहे कुछ भी माँ बोल दे सास बोल दे तो सब्र कर लो। क्योंकि मैंने एक चीज सुनी थी कुछ दिन पहले कि बहू काम करे तो सांस फूल जाती है बहू काम करे तो सांस फूल जाती है और बहू काम ना करे तो सास फूल जाती है। जब भी सास कुछ बोल दे तो ये समझ के माफ कर देना कि ये मेरे पति की जन्नत है ये मेरे पति की जन्नत है इसलिए बोलने दो क्या फर्क पड़ता है। बेटियों से निवेदन है कि पराए घर जाकर के जवाब न दे। बोलिएगा नहीं आ लाल की।